टेन प्यारे बच्चों, विमर्श के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जानेंगे हम शॉर्ट ट्रिक क्या होती है और कैसे हम उनको याद रख पाते हैं और हिंदी में किन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबरिंग यानी कि 1, 2, 3 के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा टॉपिक बाई टॉपिक, ताकि आपकी हर एक जो कन्फ्यूजन है, जो आपका डाउट है, वो क्लियर हो चुके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको हिंदी अपनी कंप्लीट करनी है तो खान सर की क्लास करनी पर करनी होगी। खान सर का जादू हिंदी पर करे काबू। जी हाँ, अगर आप हिंदी पे संपूर्ण काबू करना चाहते हैं तो आप हमारी क्लास में जुड़ेंगे। अभी तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 5 या 10 मिनट की शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट चल जाएगा जैसे ही आपकी एग्जाम डेट भी आने वाली है। तो इसीलिए आप देरी ना करें, कंटिन्यू हमारी क्लास में जुड़ जाइए। और जैसे कि हमने आपको बताया था और पिछली बार हमने आपको कराया था, यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल का जो पेपर हुआ था, तो वहां से आपके 148 क्वेश्चन पूछे गए थे जो 4 पाली में थे। और उसमें से जो हमने पढ़ाया था ऑनलाइन के माध्यम से और ऑफलाइन के माध्यम से, 124 हूबहू क्वेश्चन मिले हैं। और इसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो भरोसा कीजिए, उसी प्रकार से आने वाली जो आपकी परीक्षा है, री एग्जाम होगा यूपी पुलिस का या अन्य कोई भी एग्जाम है जिसमें है, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन बिल्कुल बाहर नहीं आने वाला है। आपको भरोसे के साथ कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहना है। और ये वो वीडियो है जहाँ से आपके इस टॉपिक से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये आपके पूरे पक्के हो जाएंगे 100%, एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, वर्णमाला वर्णमाला किससे कहते हैं, और ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल भरा है, बच्चे से अक्सर भूल जाते हैं किसको कैसे याद रखा जा सके, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे याद रखना है। देखिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हमें ज्ञान होना चाहिए, अगर हमें बोलना आना चाहिए, तो सबसे पहले हमें किस ज्ञान चीज आनी चाहिए, तो बात करते हैं भाषा की। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और एक ऐसा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, भाषा किस धातु से बनी है, कौन सी धातु है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो भाषा जो है संस्कृत के भास धातु से बना है, का अर्थ होता है बोलना या कहना। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है और आप इसे डेफिनेशन को भी याद रखेंगे। देखिए बच्चों, भाषा भाषा सब संस्कृत के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना या कहना, अर्थात जिसको बोला जा सके, कैसी भाषा तो बोला जा सके, उसे भाषा कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, और अगला पॉइंट आपके सामने है कि बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या है, क्या हम इसका प्रयोग कैसे कर पाएंगे, भाषा का क्या माध्यम है इसका, तो उसके बारे में जान लेते हैं। देखिये, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, कहकर, पढ़कर या लिखकर अपने भाव व विचारों के आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है उसे भाषा कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये परिभाषा है, लगातार आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि भाव या विचारों को ये आपको याद रखना है, और आदान प्रदान जिसे हम भली भांति समझ सके, यानी कि आसान भाषा में समझ सके, ये आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। इसी में देखिए बात करते हैं, जब हमें भाषा आ जाएगी क्या उसको हम शुद्ध बोल पाएंगे, अगर शुद्ध बोला है तो उसको शुद्ध लिखा जाए, उसके लिए एक टॉपिक और है जिसे हम कहते हैं व्याकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। व्याकरण एक ऐसी विद्या है या एक ऐसा शास्त्र है जिसमें भाषा का शुद्ध रूप बोला और लिखा जाता है। अगर हम कोई उच्चारण करते हैं तो उसको वैसा ही लिखा जाना चाहिए, ऐसा ना हो उच्चारण कुछ क्या है, लिखा कुछ और है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से। जिससे बात करते हैं यहाँ पे, और ये सबसे ज्यादा शब्द आपसे पूछे जा रहे हैं आपकी परीक्षा में, क्योंकि एक टॉपिक होता है वर्तनी, और यहाँ से लगातार आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों, देखिए श्रीमती यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे मति पर क्या होता है, दीर्घ की मात्रा होती है जिसे कहते हैं दीर्घ। लेकिन अगर अशुद्ध की बात करें, यहाँ पे ह्रस्व की मात्रा होती है या छोटी मात्रा होती है, और ये बिल्कुल शुद्ध रूप है, आपको याद रखना है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक और शब्द है
पूजनीय। देखिए पूजनीय यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लिखा है जय स्वर रहित नहीं होता, जय यहाँ पे पूर्ण होता है, तो पूजनीय होगा और यहाँ पे यह शामिल नहीं होता, तो यहाँ पे शुद्ध रूप हो जाएगा अनुग्रहित। देखिए जब यहाँ पे दीर्घी आ जाती है तो यहाँ पे इसकी मात्रा भी बदल जाती है, री की मात्रा आ जाती है। उसके बाद निरोग है, देखिए नी प्लस रोग एक संधि है जिसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हसु सुवर होता है उसकी मात्रा होती है, और जब उसके बाद रे या रे ले आ जाता है तो वह क्या हो जाता है, हसु का दीर्घ ई में बदल जाता है, तो यहाँ पे निरोग बन जाएगा, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से यहाँ पे सृष्टि है तो बिल्कुल शुद्ध रूप है, ये आपको याद रखना है, खाए ऐसे बनेगा, और यहाँ पे सौंदर्य भैया सौंदर्यता नहीं होता बच्चों, ये आपको याद रखना है, सौंदर्यता नहीं होता, सुंदरता होता है या सौंदर्य होता है तो उसका विशेषण होता है, भाववाचक होता है, लेकिन सौंदर्यता यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा, ये आपको याद रखना है। और आशीर्वाद देखिए यहाँ पे बिल्कुल गलत है, कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं आशी प्लस वाद, और इसका उच्चारण जब होता है तय यानी के सह के बाद होता है तो बन जाएगा आशीर्वाद। उम्मीद करता हूँ ये एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ऐसे समझ में आ गया होगा कि आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे और ये आपको याद भी रहेगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट अब बात करते हैं बच्चों, हमने व्याकरण तो पढ़ा लेकिन व्याकरण के कितने भाग है, कितने अंग है, कितने प्रकार है, कितने भागों में इसको बांटा गया है, तो बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे तीन भागों में इसको बांटा गया है। देखिए नंबर एक की बात करें हैं वर्ण विचार, जिसमें हम बात करेंगे वर्णों के बारे में, वर्ण क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, कैसे लिखे जाते हैं, इनका आकार क्या है, उच्चारण कैसे होता है, तो यहाँ पे इनके बारे में बात करते हैं। और नंबर दो की बात करें बच्चों शब्द, शब्द विचार, वर्ण के बाद शब्द बनता है क्योंकि वर्णों के मेल से ही यहाँ पे शब्द का निर्माण होगा, उनका व्यवस्थित क्रम होता है, और उसके बाद शब्दों के व्यवस्थित यानी के अर्थ के सही जो समूह होता है जब वाक्य बनता है, तो ये आपको याद रखना है। तो व्याकरण के तीन अंग होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। कौन कौन से होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार होते हैं। और नंबर एक की बात करते हैं बच्चों यहाँ पर वर्ण विचार, वर्ण विचार क्या होता है तो उसके बारे में जान लेते हैं, और यहाँ पे आ चुका है वर्ण विचार के बारे में। देखिए वर्ण विचार किसे कहते हैं, परिभाषा है व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, देखिए यहाँ पे वर्णों का आकार कैसे होगा ये आपको याद रखना है, वर्णों के आकार की बात करते हैं यहाँ पे। उसके बाद भेद के, भेद किसने हैं, प्रकार कितने हैं उसके बारे में बात करते हैं, और बताया यहाँ पे उच्चारण, देखिए उच्चारण मुख के किस भाग से होता है, और ये हस्व है या दीर्घ है तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद उनके मेल से बने शब्द हो, इनके मेल से क्या हो जाएगा, एक शब्द का निर्माण होगा, और इनके मेल से जब हम शब्द का निर्माण करेंगे वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, अगर अर्थपूर्ण नहीं है तो वह शब्द नहीं कहलाएगा, ये आपको याद रखना है। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी या सूक्ष्म इकाई वर्ण को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ से दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, नंबर एक की बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित, लिखित क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ और उसको लिख दिया जाए वह लिखित रूप हो जाता है, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण को कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, वर्ण हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, देखिए मौखिक इकाई क्या होती है, जिसको उच्चारण कर सके, क्या उच्चारण करने वाले, जिसको हम उच्चारण कर रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं उसे ही क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है, ये मौखिक इकाई होती है। क्लियर है, यहां तक उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, और अब जानेंगे इनके आधार पे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो यहाँ पे दो प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई, देखिए यहाँ पे पूछा है भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था वहां पे क्या आ जाएगा आंसर, वर्ण को कहा जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे वर्ण आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है
मौखिक भाषा का मूल आधार क्या है? देखिए मौखिक भाषा का मूल आधार क्या है? तो याद रखेंगे बच्चों, ध्वनि होता है। क्या होता है? ध्वनि होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीजें सारी समझ में आई हैं, पसंद आई हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं आपका कोई टॉपिक कमजोर है तो उसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।